Assalamu alaikum dear students, today we are going to start prepositions of places. तो आपको पता होगा हम ऑलरेडी ये प्रपोजिशन हमने 4-5 दिन पहले स्टार्ट किया है, तो अब हम इसके हर एक प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह वो सेंटेंस में और कहाँ पे यूज़ होता है. आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है यूज़ ऑफ ऑन. ऑन हम किन जगहों पे, किस तरह, कहाँ पे सेंटेंस, किस तरह का सेंटेंस होगा, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. तो वी यूज़ ऑन व्हेन एनीथिंग क्लोज टू द सरफेस. ऑन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे नीचे कोई सरफेस हो, तो वहाँ पे हम, मतलब बहुत ही क्लोज हो, तो कोई भी चीज़ जो सरफेस से इन कंटैक्ट हो, कंटैक्ट में हो, बहुत ही क्लोज, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है. ऑन द टेबल, टेबल हेयर मीन्स सरफेस है यहाँ, तो टेबल पे क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इन कंटैक्ट में, सरफेस क्या है यहाँ पे, टेबल, और बुक है उस टेबल पे, मेज़ पे, मेज़ पे किताब है, लेकिन जो मेज़ है वो सरफेस है यहाँ पे, उस पे बुक है, क्लोज कंटैक्ट किसके साथ है, सरफेस के, तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑन. हम वहाँ पे कोई भी सिचुएशन, कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो क्लोज सरफेस हो, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह ही इज़ ऑन द रूफ, हियर रूफ इज़ द सरफेस, कोई वो छत पे है, नीचे रूफ जो है वो सरफेस है, तो वहाँ पे हमने ऑन यूज़ किया है, क्योंकि इन कंटैक्ट, क्लोज, एनीथिंग क्लोज टू द सरफेस, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मैं कहाँ पे रहा, बिल्डिंग की थर्ड फ्लोर में मैं रहता हूँ, जो वहाँ पे बिल्डिंग का वो थर्ड वो सरफेस है, वो कहाँ पे रहता है, वहाँ पे इन कंटैक्ट में. तो ये थे यूजेज ऑफ ऑन, कि ऑन हम किन जगहों, प्रपोजिशन ऑफ ऑन, तो किस तरह हम वो ऑन का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद टू, टू इज़ यूज्ड टू शो डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन दिखा रहा है टू. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, हम मतलब कहीं पे भी, मतलब ये किसी और जो हम जाते हैं, वो ये डायरेक्शन शो करता है. एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आएगा, शी इज़ गोइंग, सॉरी, शी इज़ गिविंग मनी टू हिम, उसने इसको पैसे किस, टू हिम, किससे दिए, उसको, टू दिखाता है हमें. राकेश इज़ गोइंग टू लंदन, किसकी ओर जा रहा है, कहाँ, किस तरफ जा रहा है, लंदन जा रहा है, गोइंग टू लंदन. वी आर हीडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन है, किसके, उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे हम की तरफ जा रहे हैं, एंट्रेंस, हाँ, तो टू हमने यहाँ पे यूज़ किया है. और एक यूज़ है, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस पे हम, डिफरेंट जगहों पे हम टू का यूज़ कर सकते हैं. टू इज़ आल्सो यूज्ड, टू इज़ आल्सो यूज्ड एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हियर मीन्स, हियर वी यूज़ टू बिफोर नाउन, मेन वर्ब, मतलब एक्शन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो, उससे पहले हम टू का यूज़, तो आपने पता, मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन करवाया है वर्ब, वहाँ आपने देखा होगा इन्फिनिटिव वर्ब भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आपने उसमें मतलब देखा ही है, टू जब आएगा मेन वर्ब से तो उसको इन्फिनिटिव कहलाता है. वर्ब टू शो पर्पस, जहाँ पे हम मकसद की बात करें, जो हम कुछ चाहते हैं, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू टॉक, ये है मेन वर्ब, एक्शन वर्ब उससे पहले, टू गो, कहीं पे जाना है, टू प्ले, टू से, टू अंडरस्टैंड, एट्सेट्रा, तो यहाँ पे हमने
टू का यूज़ किया है, मतलब किसी और डायरेक्शन दिखाता है हमें, या वो तो मैंने आपको बताया। अब दूसरी जगह इन्फिनिटिव, एज एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मेन वर्ब से पहले हम ये टू का यूज़ कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो आप से मिलना चाहता है। वॉन्ट्स टू मीट यू मेन वर्ब है यहाँ पे, यहाँ पे टू शो पर्पज़, पर्पज़ यहाँ पे मकसद दिखा, पर्पज़ दिखा रहा है यहाँ। दे कम हेयर टू प्ले, वो खेलना चाहते हैं यहाँ पे, वो किसी से मिलना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, टू शो पर्पज़। वी अर्न टू लिव, हम रहने के लिए कमाते हैं, जिंदा रहने के लिए कमाते हैं, ये यहाँ पे टू का यूज़ है। कहाँ कहाँ किसके जगहों पे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो होता है डायरेक्शन दिखा रहा है किसी और, मतलब डायरेक्शन किसी की तरफ जाना, कहीं पे जाना, वहाँ ये मेंशन करता है, वहाँ पे टू हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इन एज एन इन्फिनिटिव टू इज़ आल्सो यूज्ड, तो तीसरा रूल है टू इज़ आल्सो यूज्ड, और किन जगहों पे ये टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टू शो लिमिट, एंडिंग पॉइंट और पीरियड, हम अब देखेंगे ये लिमिट क्या होता है। लिमिट जहाँ हो, जहाँ हमें पीरियड दिखाना हो, मतलब फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू थर्सडे, यहाँ पे पीरियड वक्त हमें दिखाना। द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 80 पर लीटर, अप टू लिमिट हमें दिखाना कहाँ तक, मतलब यहाँ पे हमने, मतलब जो पेट्रोल का दाम वो बहुत ही चढ़ गया है, कहाँ तक, आप तो कहाँ तक हैं, तो यहाँ 80 पर लीटर किलोमीटर, या वो वहाँ तक जा सकता है, आप कहाँ तक वो जा सकता है, वो लिमिट हमें दिखाना है। पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने अप टू 80 पर लीटर, मतलब अप टू यहाँ तक वो, मतलब चढ़ गए हैं वहाँ तक, अप टू, तो हाँ यहाँ हमने टू का यूज़ किया है। इसी तरह द वर्क, वी वर्क 9 to 6 पीरियड हमने दिखाया, 9 से 6 शाम के 6 बजे तक हमने, तो जहाँ ये पीरियड बीच में क्या है, ये वक्त, ये बहुत सारा वक्त, 9 to 6 9 बजे से सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमने काम किया है, जो इसके बीच में है, ये क्या यहाँ पे मेंशन करता है, पीरियड, या मंडे टू सैटरडे, सोमवार से कहाँ तक, सैटरडे, मतलब सैटरडे तक, जो बीच में यहाँ पे मतलब पीरियड हैं, वक्त हैं, वहाँ पर भी हम टू का यूज़ कर सकते हैं। हेयर दैट मीन्स टू शो पीरियड, टू शो पीरियड, तो यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया है। और मैं इसको रिकैप्चुलेट करूँगी, जो हमने आज की इसमें पढ़ा है प्रपोजिशंस ऑफ ऑन, ऑन हेयर मीन्स एनीथिंग क्लोज टू द सर्फेस, वहाँ पर हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। वाट इज़ ऑन द टेबल, हाँ, या द बुक इज़ ऑन द पेन इज़ ऑन द टेबल, ही इज़ ऑन द रूफ, जो क्लोजिस, कोई भी चीज़ जिसको क्लोज कंटैक्ट हो, कोई भी चीज़ सरफेस हो नीचे, जो इन कंटैक्ट में हो किसी भी चीज़, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर सकते। इसी तरह टू, टू हमें डायरेक्शन दिखाता है, किसी और की तरफ जाना, किसी की तरफ जाना, किसी को कुछ कहना, मतलब किसी को कुछ देना है, तो यहाँ पे तो हम टू का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें डायरेक्शन यहाँ पे दिखाता है, ये वो लंदन जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, वो फ्रांस जा रहा है, वहाँ पे हम टू का यूज़ कर सकते हैं। वो किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, जहाँ हम डायरेक्शन दिखाते हैं। इसी तरह टू हम एज एन इन्फिनिटिव बिफोर, टू इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर मेन वर्ब मींस एक्शन वर्ब, उससे पहले टू टॉक, टू गो, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हम पर्पज़ की बात करें हैं, पर्पज़ दिखाते हैं, कुछ मकसद की बात करें, ही वॉन्ट्स टू मीट, वो आपसे मिलना चाहता है, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, वो हम किस लिए कमा लेते हैं, मैं, मतलब वहाँ पे हम टू का यूज़ कर सकते हैं। और वो टू हमें, टू किस लिए, लिमिट, जहाँ पे हम
हाँ यहाँ तक आप पहुँच सकते, यहाँ तक इस मतलब इस पेमेंट मतलब इस पेमेंट की लिमिट है, यहाँ तक आप पेमेंट भर सकते हो। यहाँ पे मतलब पेट्रोल का दाम यहाँ तक पहुँच गया है, हैं तो जहाँ पे हम लिमिट एंडिंग पॉइंट की बात करें वहाँ पे हम, या पीरियड 9 to 6 या मंडे टू सैटरडे, जहाँ पर भी पीरियड की बात हो, जहाँ पर भी वक्त की बात करते हैं हम पीरियड की, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस, यूज ऑफ ऑन एंड टू एक्सप्लेन किया है। सो थैंक्स।